अब आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। तो जोग्राफिया का क्वेश्चन पेपर है 12वीं क्लास का CBSE का उर्दू में, वो भी आपके लिए। तो यहाँ पे ये सवालात में शुरू में ये दिया जाता है कि कौन कौन से सवालात लाजमी हैं। इस सवालनामे 30 सवालात हैं, तमाम सवाल करना लाजमी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से सवाल शुरू हो जाते हैं। 10 जेल में कौन सी सरगर्मी राबी ज़ुमरे से मुंसलिक है, मालूम पैदा करना है, सियाहत माहिगिरी तजारत। तो इसके बाद इसी तरह अगले क्वेश्चन है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मजदूर तंजीम क्या है, बुनियादी ज़रूरत रसाई, और इस तरह से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। सारे आप उर्दू जानते हैं तो उर्दू आसानी से आप पढ़ भी लेंगे। ये छठा मुद्दा है मखलूत ज़रात की खसूसियात को पहचाने, इसमें टिक भी लगी है। फसल की काश्तकारी जानवरों को पालने में मसावी तवज्जो दी जाए। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन जो है चलते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद 11 है, 10 जेल में से किसने मनसूबाबंदी कमीशन की जगह ली, NITI IU इसमें लगाओ। और भी आप सवाल देखिए, इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, इनके जवाब भी ठीक हुए हैं। अब ये तो वैसे ही जाएगी, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। जब पूरा पढ़ लें इसे यहाँ तक जो है ये पूरा, तो आप उसके बाद यहाँ पर आएंगे, क्वेश्चन सवाल आ जाए इसी में से हैं। देखिए मैं आपको पूरा दिखाता, ये जो है किस, ये सवाल, ये पैसेज है, इसको पढ़ना है और इसके बाद इसका जवाब आपको इसमें से देना है। इसके बाद 16वां है, 17वां है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये आ जाता है, इसमें क्या है, दी गई शक्ल को गौर से मुताला करो, नीचे दिए गए सवाल। अभी यहाँ पे दिखा रखा आबादी मिलियन में और किस किस मुल्क की है, ठीक है। उसके बाद इसमें सवाल पूछेंगे भाई सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा, तो यहीं से पता लग रहा है भाई चीन है। तो इसी तरह इसमें सवाल पूछेंगे, तो आप सवाल पढ़ते रहिए और जवाब देते रहिए। इसके बाद फिर एक इक्तिबास आ गया, इक्तिबास पैसेज, फिर आपको इसे पढ़ना है, पैसेज आया फिर उसके बाद जवाब। सवाल नंबर 20 से 23 तक छोटे जवाब वाले सवाल आते, छोटे जवाब देने हैं। तो ये सवाल आते हैं, इम्पोर्टेंट ही हैं, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ तक हैं, फिर उसके बाद 25 हिस्सा नंबर 3 है। सवाल नंबर 24 से 28 तक लंबे सवाल, यानी लॉन्ग आंसर लेंगे। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में आलमी सड़क की नकलो अमल के दरपेश अहम मसाइल का जिक्र करें, ये कर लें या ये दुनिया में रेल नकलो अमल के अहम फ़ायदे पर, रेल के जो फ़ायदे हैं वो लिखने कि भाई आसान होता है सफ़र, कम पैसे लगते हैं और हिफाजत होती है इसमें ज़्यादा, ये सारी बातें और जो जो जहन में आवल। फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन है, ये सारे आप कर लीजिएगा। फिर हिस्सा डी नक्शे के सवाल आते हैं, नक्शा वगैरह इस तरह आएगा, नक्शा में दिखाया तो आपको मैप आएगा, इसको भरना होगा, इंडियन मैप आप ले आइएगा बाज़ार से और इसको भर के देखिएगा, इंडियन मैप आ जाता है बाज़ार से मिल जाए, एक ये वाला मैप आएगा, ठीक है, वर्ल्ड मैप है, ये भी आप ले आइए, इसको भी भर लीजिए, इसी से मुतालिक सवाल आएंगे, ठीक है। तो आप इसके मुतालिक नक्शे से मुतालिक सवाल हैं, मुतालिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हिंदुस्तान में जो है नक्शे के सियासी 5 को तलाश करें और नाम लिखें, ठीक है। ये सवाल आते हैं और इनके नाम, ये सवाल आते करके देख लीजिएगा, फाइनल में आ जाते हैं। सवाल नंबर नोट 10 है, सवाल सिर्फ नाबीना तालिबों के लिए, जो बेचारे जो देख नहीं सकते उनके लिए, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको करके दिखा दिया, उम्मीद है पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, शुक्रिया।